नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार पंचायत चुनाव में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को अब नहीं बनाया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब कमर कस लिया है। बिहार सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि बिहार में 10 चरणों में मतदान होने हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि मतदान के अगले दिन मतों की गिनती होगी और उसी दिन जीते हुए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसे में बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव काफी अहम हो गया है। बिहार में यह पहली बार होगा जब पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जा रहा है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार भी मतदाता के पास पहुंच रहे हैं और अपनी बातों से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। इस बार के चुनाव में आयोग ने फोर्थ ग्रेड कर्मियों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को एक पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि आयोग ने पत्र में कहा है कि किसी भी स्थिति में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाए। आयोग ने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी और गश्ती दल दंडाधिकारी सह संगठन दल के मतदान केंद्र पर तैनाती का मानक निर्धारित किया गया है। इस बार होने वाले चुनाव में कार्य करने वाले कर्मियों की तैनाती राज्य निर्वाचन आयोग तय किए गए मानकों के आधार पर किया जाएगा। आयोग की तरफ से यह भी साफ साफ कहा गया है कि पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी का वर्गीकरण उनके पद, रैंक और वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे लोगों की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए जो अन्य मतदान अधिकारियों के उच्च वेतनमान श्रेणी में आते हैं। आयोग की तरफ से जारी निर्देश में यह कहा गया है कि पंचायत चुनाव में तैनात कर्मी गृह और कार्य क्षेत्र प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी हाल में तैनात न हो, मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग के न हो, इस विषय पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। विभाग ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी समान विभाग से नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर काफी सख्ती दिखा रही है। आयोग ने यह भी कहा कि प्रत्येक मतदान दल के मतदान अधिकारी का चयन रैंडम आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने निर्देश देते हुए साफ साफ कहा है कि मतदान दल की तैनाती मतदान केंद्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाए। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि प्रत्येक मतदान कर्मी को उनके वास्तविक मतदान केंद्र की जानकारी उनके मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पहले दे दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में 2 लाख से अधिक पदों पर पंचायत चुनाव होने हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव कार्य में वही मतदान कर्मी तैनात होंगे जो विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में तैनात होते रहे हैं या फिर उन चुनावों में भाग लेते रहे हैं। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में देरी की संभावना जताई जा रही है। दरअसल बिहार में इस साल राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का फैसला किया है, लेकिन निर्वाचन आयोग से एनओसी नहीं मिलने के कारण अब यह पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया है। अब इस मामले में सुनवाई के बाद ही बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव कराने में देरी होने की संभावना है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।